1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स हेड रन वाला रही है जो हमारे हेड है, ये सारे के सारे मूव का ये एक जगह नहीं रुकने वाला है, ये ऐसे करेगा कभी ऐसे कभी यूं यूं आपका। हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज सुकराज, आज मैं फिर आप लोगों के लिए धमाकेदार वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो जैसे गाइस आज की वीडियो में आप लोगों को जो हम दिखाने वाले हैं लेजर बार दिखाने वाले हैं, और हमारे बहुत से भाई ये कमेंट कर रहे थे कि भैया हमें कुछ नया लेजर लाइट दिखाइए और नया मतलब क्वालिटी भी होना चाहिए। आज की वीडियो में आप लोगों को क्वालिटी भी दिखाने वाले हैं और प्लस नया लाइट रहने वाला है, और अभी तक आप लोगों ने यूज भी नहीं किया होगा, ऐसा इसे आपने मार्केट में भी नहीं देखा होगा। आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला है लेजर वार, जैसे कि आप देख सकते हो। और गाइस इसका जो प्राइस रहेगा प्राइस ही बताएंगे, कौन सी कंपनी का ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। अगर उससे पहले अगर हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अगर तक आपने चैनल पे फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कर लेना ताकि आपको डेली नए अपडेट मिलते रहे। चलो ज्यादा लेट नहीं करते, चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। They all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me. आप लोगों ने पैकिंग देखी होगी मेरे ख्याल से, पैकिंग कैसी थी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप लोगों को पैकिंग दिखाने की कोशिश करता हूं कि ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि जो हमारे लाइटों की जो पैकिंग रहती है कैसी रहती है और कैसे हम लोग करवाते हैं, वो आप लोगों ने खुद देख ही लिया। और गाइस अगर आप लोग ऑनलाइन के थ्रू अगर इस लाइट को अगर मंगवाते भी हो तो पैकिंग इसकी मतलब डबल दुगना होगा आपका ये पैकिंग, क्योंकि आपका जैसे कि ये तो पैकिंग वो तो फॉर्म में मतलब गत्ते में तो आएगा ही आएगा, और प्लस आपका उस पर क्या होगा बबल लगेगा, बबल के बाद पत्ती लगेगा, फिर पत्ती के बाद आपके पास पार्सल भेजा जाएगा कि ताकि जो आपका पार्सल है बिल्कुल सेफ्टी के साथ पहुंचे और सिक्योर के साथ पहुंचे कि ताकि आपका जो लाइट है वो बिल्कुल भी डैमेज ना आए। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया पैकेजिंग के बारे में बता दिया। अब हमारे बहुत से भाई ये बोल रहे होंगे कि भैया इसकी जो लाइट है लाइट का नाम क्या रहने वाला है और प्लस ये कौन सी कंपनी का लाइट है। मैं आप लोगों को बता दूं लाइट का जो नाम रहने वाला है ये है लेजर बार। और गाइस अगर इसकी कंपनी की बात करें तो कंपनी रहने वाली हमारी SBL कंपनी की, हमारी ये लेजर बार रहने वाली है, और गाइस काफी बढ़िया बजट में आने वाला है आप लोगों का। मैं सबसे पहले अगर इंफॉर्मेशन दूंगा तो डिस्प्ले से ही मैं शुरुआत करता हूं कि ताकि आप लोगों को थोड़ा डिस्प्ले में भी पता चल पाए कि इस पे आप किस किस चीज में आप चला सकते हो इसको। ये हमारा डिस्प्ले रहने वाला है जैसे कि आप देख सकते हो, और गाइस हमारा जो डिस्प्ले रहने वाला है काफी बड़ा डिस्प्ले आ जाता है जैसे कि आप देख सकते हो। और गाइस आपका डिस्प्ले में ही अगर आप कोई से मोड में चलाते हो तो आपका यहाँ पे डिस्प्ले में आपका नेम लिख के आएगा, और प्लस आपके यहाँ पे मतलब डिस्प्ले के जस्ट नीचे आपके चार बटन दे रखे है, और इन चारों बटन का क्या क्या काम है मैं आप लोगों को बता दूं। चारों बटन का ये काम है कि आप जैसे कि आप अगर इसको ऑटो मोड में चलाना तो आप ऑटो मोड में चला सकते हो, अगर आपको साउंड मोड में चलाना तो साउंड मोड में चला सकते हो, अगर आपको DMX मोड में करना तो आप DMX मोड में भी चला सकते हो। आपको इसमें काफी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। और गाइस अब हमारे बहुत से भाई ये भी सोच रहे होंगे भैया ये कौन सी कंपनी की हमारी ये लेजर बार रहने वाली है। मैं आप लोगों को कंपनी के बारे में बता दूं, हमारी ये SBL कंपनी का हमारी लेजर बार रहने वाला है। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं बैक साइड में कि ताकि आपको थोड़ा बैक साइड के बारे में पता चलता है कि इस पे बैक साइड में हमारा कौन कौन सा ऑप्शन हमें मिल जाता है। चलो बैक साइड चलते हैं, देख सकते हो बैक साइड का कुछ हमारा ऐसा रहने वाला है। और गाइज इस लेजर लाइट में आपका एक और खास चीज दे रखा है कि आपका लेजर लाइट कभी भी उड़ नहीं सकता। अगर आपका कभी भी अगर बाय चांस अगर आपका वोल्टेज ज्यादा आ जाता है, अब बहुत से जगह क्या होता है कि वोल्टेज के कारण हमारा पूरा लेजर ही मतलब उड़ जाता है, ठीक है। लेकिन इस लेजर बार में क्या आपका खासियत दे रखा है, ये खासियत दे रखा है कि इसमें आपका फ्यूज का सिस्टम दे रखा है। अगर आपका सबसे पहले अगर लेजर तो नहीं उड़ने वाला आपका इनमें से कोई भी बल्ब या लेजर आपका नहीं उड़ने वाला, क्योंकि सबसे पहले जो उड़ेगा वो हमारा रहने वाला है हमारा फ्यूज। फ्यूज सबसे पहले उड़ेगा, फिर उसके बाद आपका लेजर मतलब लेजर ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा जैसे आपका फ्यूज आपका उड़ेगा। और गाइस आपका यहां पे जैसे कि देख सकते हो आपके दो ऑप्शन दे रखे जो पावर केबल के रहने वाले हैं। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं पावर केबल जो रहने वाला हमारा काफी बढ़िया क्वालिटी में हमारा पावर केबल आने वाला है जैसे कि आप देख सकते हो। और गाइस बस क्या करना है, एक जैसे कि आपका डीजे का सॉकेट रहता है ना वैसे ही आपका जैसे आपने सॉकेट टाइप का यू इधर किया ऐसे किया और ऐसे करके आपने घुमा दिया आपका, अब ये हो गया आपका, अब आपका जो लेजर है इस पे सप्लाई आ जाएगा अगर आप इसको बोर्ड में लगा दोगे तो। गाइस काफी बढ़िया सिस्टम दे रखा है, पावर केबल तो भाई जेन्युइन क्वालिटी में दे रखा है पावर केबल,
और मैं आप लोगों को बता दूं, एक ऑप्शन नहीं दो दो ऑप्शन रहने वाला, आप दोनों में से किसी में भी लगाइए, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। गाइस मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, आपका पीछे ये भी ऑप्शन दे रखा है, आपका डीएमएक्स का भी ऑप्शन दे रखा है, मेल फीमेल। और गाइस आप इसको आप डीएमएक्स में भी चला सकते हो, अगर ऐसे लेजर लाइट आपको तीन चला रहे हैं, चार चलाने हैं, पांच चलाने हैं, आप चला सकते हो इस ऑप्शन के थ्रू। जैसे कि आपने एक्सएलआर वायर्स निकाल लिया, एक्सएलआर वायर्स आप एक लेजर मतलब दूसरे दूसरे पॉइंट में ऐसे करके आप ज्वाइन करके आप चला सकते हो। अगर इस यहाँ पे आपका ऑन ऑफ का बटन दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो, और पीछे का बैक साइड का कुछ ऐसा लुक है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो हमारा लेजर है, ये हमारा सिक्स हेड रहने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 सिक्स हेड रहने वाला है। और ये जो हमारे हेड है, ये सारे के सारे मूव करते हैं। मैं आप लोगों को जब चला के दिखाऊंगा ना, ऑटोमेटिक ही आपको पता चल जाएगा कि भाई ये सारे के सारे मूव करते हैं। और आपका ये एक जगह नहीं रुकने वाला है, ये ऐसे करेगा, कभी ऐसे, कभी यूं यूं, आपका मतलब आप जब खुद चला चलते हुए देखोगे ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये लेजर कैसा है। और आप लोगों का बजट में आने वाला है, मुझे ये जहां तक पता है। तो चलो ज्यादा लेट नहीं करते हो, चलो टेस्टिंग करते हैं। Fingers stained with blood, been grasping all day, losing my touch with reality. Driving all day, searching all night, can't seem to focus this double sight. आप लोगों को टेस्टिंग कैसे लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हमारे बहुत से भाइयों ने ये कमेंट कर दिया कि भैया इसका क्या प्राइस रहने वाली है। प्राइस सबर कर लो, थोड़ा सबर कर लो, मैं आप लोगों को प्राइस बताऊंगा। मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं, इसकी जो रेंज रहने वाली है 1 किलोमीटर तक की रेंज रहने वाली है। और उसके साथ हमें थोड़े और टूल्स मिल जाते हैं, मैं आप लोगों को दिखाया नहीं था। ये हमारे कुछ टूल्स रहने वाले हैं जो हमारे इसके पीछे लगेंगे, आप इसको कहीं पे भी आसानी तरीके से आप इसको हैंगिंग कर सकते हो, गाड़ी में करना चाहो तो गाड़ी में कर सकते हो, या आपको क्लब व्लब में लगाना हो तो आप वहां पे भी लगा सकते हो आसानी तरीके से। और गाइस मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर आप फॉग मशीन नहीं है आपके पास तो फॉग मशीन जरूर ले लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को फॉग मशीन इसलिए लेने के लिए बोल रहा हूं, जिसकी जो रियल इफेक्ट है आपकी फॉग मशीन में ही रियल दिख पाती है। यहाँ पे बीम जो रहते हैं आपके, वो बीम आपके फॉग मशीन में ही प्रॉपर तरीके से आपका दिख पाता है, ठीक है। मैं आप लोगों को फॉग मशीन जरूर लेने के लिए बोलूंगा। और अब हमारे बहुत से भाई ये भी बोल रहे हैं कि भैया प्राइस तो बता दो यार। प्राइस मैं आप लोगों को बता दूं, इसकी जो प्राइस रहने वाली है मात्र 21,500 रुपए इसकी प्राइस रहने वाली है। अरे ये हमारा ऑल इंडिया में कहीं पर ये माल हम भिजवा देंगे, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरी नहीं है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये अगर आपके पास पार्सल भी जाता है तो आपका कुरियर के थ्रू पार्सल जाएगा, डिलीवरी चार्ज आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले पेमेंट होती है, फिर उसके बाद ही आपका माल पैकिंग होगा। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, क्योंकि हमारे बहुत से भाई ये बोलते हैं कि भैया कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगा। नहीं गाइस, कैश ऑन डिलीवरी का कोई भी सिस्टम नहीं है, मैं आप लोगों को साफ अभी बोल देता हूं, क्योंकि हमारे बहुत से भाई आधे ज्यादा भाई कॉल करके बोलते हैं यार कि भैया क्या प्राइस है, क्या क्या है। मैं आप लोगों को वीडियो में इसलिए प्राइस बता देता हूं कि ताकि आप लोगों को प्राइस पता चल पाए यार, आप लोग कंफर्म हो जाओ पूरे, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को प्राइस बताता हूं। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कर लेना। अरे और गाइस कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी जल्दी ये पाल लाइट मंगवाइए। और भाई मैं आप लोगों से ये भी बोलना चाहता हूँ कि भैया दिन रात कॉल, मतलब रात के 1 बजे 2 बजे कॉल मत करिए, क्योंकि कॉल भाई बहुत ज़्यादा आता है रात के 1-2 बजे कॉल। प्लीज़ यार कॉल मत करना रात के 1-2 बजे, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, जो कॉल करने की जो टाइमिंग रहेगी 9 बजे से लेके आप शाम के 8 बजे तक कॉल कर लीजिए, मैं आपका कॉल रिसीव कर लूँगा। 8 बजे के बाद मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।